हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्षेत्र में जीरा और इसबगोल की इंडस्ट्रीज लगवाई जाएं। पटेल मेटल मार्केट के व्यापारियों को सरकार यथोचित सहयोग प्रदान करे, जालौर ग्रेनेड को प्रोत्साहन दिया जाए। जालौर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल ने गुरुवार को लोकसभा के बजट सत्र के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लिया। उन्होंने संसदीय क्षेत्र के इंडस्ट्री से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के बारे में सदन के माध्यम से मंत्री का ध्यान आकर्षण करवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम है कि आज देश कृषि के क्षेत्र में निर्यात 19,07,009 मिलियन डॉलर हुआ है। गेहूं के निर्यात में लगभग 4 गुना उछाल आया है तथा चावल में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी देश शीर्ष स्थान पर है। सांसद पटेल ने सदन के माध्यम से बताया कि जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र कृषि पर निर्भर है। क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तम जीरा और इसबगोल का उत्पादन होता है, जो देश में प्रथम स्थान पर है। लेकिन क्षेत्र में जीरा एवं इसबगोल के इंडस्ट्रीज को अभी तक प्रोत्साहन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पूर्व में भी मंत्रालय से मांग की गई है कि क्षेत्र में जीरा एवं इसबगोल की फैक्ट्री लगाई जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ साथ सरकार को भी राजस्व मिलेगा तथा वहां का जीरा एवं इसबगोल का विदेशों में भी निर्यात होगा। उन्होंने सदन के माध्यम से उपरोक्त समस्याओं का निस्तारण करते हुए कृषि के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते हुए जीरा एवं इसबगोल की इंडस्ट्रीज की स्थापना करने की पुरजोर मांग रखते हुए बताया कि इससे विश्व में देश का नाम रोशन होगा तथा किसानों की आय दोगुनी करने में भी फायदा रहेगा। मेटल मार्केट के व्यापारियों को सरकार यथोचित सहयोग प्रदान करे। सांसद देवजी पटेल ने संसदीय क्षेत्र के टेनलाइन स्टील मेटल मार्केट में कार्य कर रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने की मांग रखते हुए बताया कि क्षेत्र के लगभग 80-90% मारवाड़ के लोग संपूर्ण भारत वर्ष में टेनलाइन स्टील में व्यवसाय करते हैं, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन गिने चुने बड़े बड़े उद्योगपति उन्हें व्यवसाय में मदद नहीं करते हैं तथा उन्हें समय पर रॉ मटेरियल नहीं मिलने से उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अध्ययन ऐसे छोटे मोटे व्यापारियों को सरकार से सहयोग प्रदान किया जाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो सके तथा उन्हें जीवन यापन में आसानी हो सके। जालौर ग्रेनाइट को प्रोत्साहन दिया जाए। सांसद देवजी पटेल ने बताया कि ग्रेनाइटी नगरी के नाम से जालौर का ग्रेनाइट का उपयोग सर्व अधिक किया जा रहा है। नई दिल्ली में निर्माणाधीन सांसद के नवीन भवन में भी ग्रेनाइट का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने का अनुरोध करते हुए व्यापारियों को यथोचित सहयोग प्रदान करने एवं निर्यात के लिए रैक लगाने की बात कही, ताकि ग्रेनाइट का विदेशों में निर्यात किया जा सके। जागरूक टीवी की रानीवाड़ा से विद्या मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।